I love you, Rasna. I love you, Rasna. गाना सुनकर तो बचपन की याद आ गई। अब मेलो की तरह रसना के साथ मुझे भी कोई रेसिपी बनाने का मन कर रहा है। सोच रही हूँ ऑरेंज केक बनाऊं। हाँ, ऑरेंज केक सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एगलेस ऑरेंज स्पॉन्ज केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रसना। तो ये रसना हम बना रहे हैं ऑरेंज वाला। इसको आप पैकेट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ 900 ml ऑफ वाटर और फिर ये रसना का पैकेट खोलेंगे। इसके अंदर है दो पैकेट्स, एक लिक्विड और एक पाउडर। तो इन दोनों सैशे को काट के हम इसमें डाल देंगे। तो ये पाउडर और ये ऑरेंज वाला लिक्विड वाला, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ शुगर। तो यहाँ पे मैं टोटल शुगर यूज़ कर रही हूँ 750 grams 900 ml वाटर के लिए। इसको भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक शुगर अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, क्योंकि करंट सिचुएशन में इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात तो ये है कि इस रसना में काफी विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बस ये शुगर भी अच्छे से डिसॉल्व हो गई, हमारा रसना का कॉन्सेंट्रेट रेडी हो गया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सुपर स्पॉन्जी ऑरेंज स्पॉन्ज केक। तब इसी ऑरेंज फ्लेवर्ड रसना को यूज़ करके हम बनाएंगे बढ़िया से ऑरेंज स्पॉन्ज केक, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक बड़ा सा बोल। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे आधा कप दही। तो यहाँ पे मैंने गाढ़ी दही यूज़ की है। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 cup पिसी हुई शक्कर और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो विस्क से यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली ऐसे स्पैचुला से मिक्स कर लीजिए। जब दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाएंगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 cup ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे मैं रेगुलर ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, सनफ्लावर ऑयल। आप चाहें तो इसके बदले मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हैंड बीटर से अच्छे से थोड़ी देर ब्लेंड कर लीजिए। ये देखिए, तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके ऊपर छन्नी रख देंगे और हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मैदा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 cup ऑफ मैदा। तो सबसे पहले डालेंगे 1 cup और ये आधा कप मैदा। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 teaspoon बेकिंग पाउडर और 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, मिक्सचर अच्छे से छन गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, आपस में मिक्स हो रहा है। और अब इस वक्त इसमें हम डालेंगे ऑरेंज का फ्लेवर, 1/2 cup ऑफ रसना ऑरेंज। तो थोड़ा थोड़ा करके ये ऑरेंज मिक्सचर डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। तो टोटल हमने यूज़ किया है 1/2 cup। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए। ये देखिए, मिक्स हो गए। फिर से थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये पूरा ऑरेंज रसना मैंने डाल दिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर से इसको बीटर से थोड़ा सा बीट कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाएं। पर ध्यान रखिए, इसको ओवर बीट भी नहीं करना है। ये देखिए, कितना अच्छे से हमारा मिक्सचर कंबाइन हो गया, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी जैसा आ गया। बिल्कुल ऐसा ही मिक्सचर हमको चाहिए। और देखा आपने, कितना अच्छा सा प्यारा सा ऑरेंज कलर भी आ गया और ऑरेंज का फ्लेवर भी आ गया। तो फ्रेंड्स, ये केक का मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको हम ट्रांसफर करेंगे केक टिन में, लेकिन उसके पहले मैंने कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए। और जो बाकी का रसना कॉन्सेंट्रेट है ना, इसको छान के एक बॉटल में डाल के मैं फ्रिज में रख दूंगी। और इसको आप बाद में यूज कर सकते हैं कुल्फी में, डेजर्ट्स में, या फिर कोई भी मॉकटेल्स बनाने में। तो बस यहाँ पे मैंने ये केक टिन लिया है जिसको पहले से मैंने बटर पेपर से ग्रीस कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे ये केक का बैटर। और फिर इसको थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे ताकि इसके सारे एयर बबल्स निकल जाएं। और फिर इसको ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो यहाँ पे मैं पिस्ता बादाम यूज़ कर रही हूँ। आपको जो नट्स पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल ऑरेंज केक भी बना सकते हैं बिना नट्स के साथ। तो बस अब ये केक रेडी हो गया बेक करने के लिए।
तो इसको आज हम कुक करेंगे, बेक करेंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए ढक के। सावधानी से इस केक टिन को रख देंगे और इसको कवर करके कुक करेंगे लोएस्ट फ्लेम पर 35 टू 40 मिनट्स के लिए। तो करीबन 40 मिनट्स हो गए हैं, चलिए केक चेक करते हैं, लेड हटाकर चेक करते हैं। सुपर्ब, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से केक बेक हो गया है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही सॉफ्ट भी दिख रहा है केक। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये केक ओवन में बनाना है तो इसे आप बेक कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में 30 टू 35 मिनट्स के लिए। इसमें आप नाइफ या फिर टूथपिक डाल के चेक कर सकते हैं। अगर एकदम क्लीन है मतलब कि आपका केक अच्छे से बेक हो गया है। ये देखिए एकदम अच्छे से बेक हो गया है, तो इसको निकाल के रख देंगे किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे डीमोल्डिंग के पहले। तो ये हमारा सुपर सॉफ्ट ऑरेंज केक रेडी हो गया है। अब इस वक्त थोड़ा सा गर्म है, जैसे ही पूरा ठंडा हो जाएगा इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो केक अच्छे से ठंडा हो गया है, चलिए इसको डीमोल्ड करते हैं। तो इसके चारों तरफ ऐसे नाइफ से इसको घुमा लेंगे ताकि डीमोल्डिंग में आसानी हो। तो चारों तरफ ऐसे चाकू चला लीजिए और उसके बाद इसको अपसाइड डाउन टर्न करेंगे किसी प्लेट में और फिर इसको ऊपर से थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे। लवली, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से और कितनी ब्यूटीफुली हमारा केक निकल गया इसमें से, और बहुत ही अच्छा कलर आया है ऑरेंज का और बहुत सॉफ्ट भी है। तो बस इसका बटर पेपर निकाल देंगे और इसको टर्न कर लेंगे वापस से दूसरी प्लेट में ऊपर की तरफ। ये देखिए मैं आपको अब चारों तरफ से दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं ऊपर और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो चलिए अब आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए एक स्लाइस मैं कट कर लिया। तो ये देखा आपने कितना अच्छा दिख रहा है ये केक का पीस, बहुत ज़्यादा एरी भी बना है और बहुत स्पॉन्जी भी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से हमारे ये डेलिशियस ऑरेंज इम्यूनिटी स्पॉन्ज केक रेडी हो गया। तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया इस रेसिपी को बना के। तो आप भी ट्राई करो कुछ डिफरेंट रेसिपी रसना के साथ और पाओ मौका 5000 वर्थ अमेज़न वाउचर्स एंड रसना रेसिपी बुक में फीचर होने का। तो आज ही ट्राई कीजिए कुछ अलग रेसिपी और उसके पिक्चर्स क्लिक करके रसना के फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज को टैग कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी से मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और आप सब मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई लव यू रसना। आई लव यू रसना। I love you, Rasna.